और शामली में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को दिया गया घरौनी प्रमाण पत्र। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री घरौनी स्वामित्व योजना की शुरुआत कौशाम्बी सिराथू तहसील में किया गया। सिराथू तहसील के लच्छीपुर गांव के 54 लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया गया। भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी की भूमि को ड्रोन कैमरे से चिन्हित कर लोगों को उनकी जमीन के कागज घर के स्वामी के नाम दिया गया। आपको बता दें कि आबादी की जमीनों पर अधिकांश लोगों के पास घर के कोई कब्जात नहीं रहता था, जिसे लेकर कई प्रकार की समस्या आती थी। सरकार की मंशा पर घर के स्वामित्व पत्र, जो घरौनी के नाम से जानी जाती है, ये हर प्रकार के सरकारी योजनाओं पर मिल सकेगा। जमींदारी और राजवाड़े के समय इस तरह की कोई योजना आबादी के इलाकों के लिए तैयार नहीं थी, जिस कारण लोग अपने मकान तो बना लेते थे लेकिन वह घर विवादों में रहता था। इसलिए प्रधानमंत्री की यह योजना लोगों को घरौनी पत्र, जो एक अधिकार पत्र के रूप में उसी प्रकार माना जाएगा जैसे कि पूर्व में खतौनी को माना जाता है। कौशाम्बी में अभी तक कुल 79 गांवों में ड्रोन से डिजिटल मॉनिटरिंग हो चुकी है, जिसमें 14 के प्रमाण पत्र तैयार हो गए हैं, बाकी पर काम चल रहा है। कौशाम्बी से विकास कुमार गौतम की रिपोर्ट। जो देने का काम किया गया है उसके माध्यम से हमारा एक एक गाँव का किसान अपने घर को पूर्ण रूप से कहेगा कि हमारा ये घर है और उसके और पूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन से डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है, उसका नक्शा बना हुआ है, उसकी 74 दर्ज है और जितने भी किसानों के घरौनी प्रमाण पत्र दिए गए हैं वो आज से पूर्ण रूप से अपने घर के माध्यम से, अगर उनका घर बना है तो एक वैल्यूअर के माध्यम से अगर वैल्यू निकलवा लेंगे, उनके घर की जो वैल्यू निकलती है उसके माध्यम से बैंक भी लोन देने का काम करेगा और वो कोई व्यवसाय करना चाहता है, कोई ठेकेदारी करना चाहता है तो उसकी वैल्यूअर वैल्यू निकालने के बाद वो कोई भी काम कर सकता है, मैं समझता हूँ। इसलिए ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, क्योंकि तमाम ऐसे विवाद होते थे गांव में जिसके कारण प्रशासन भी परेशान होता था और हमारे गांव के किसान भाई भी आपस में कहीं ना कहीं विवाद कर लेते थे और एक झगड़ा हो जाता था कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, तेरा। लेकिन आज इस घरौनी वितरण के बाद ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया है और सिद्ध हो जाएगा जिस गाँव ये लच्छीपुर गाँव की घरौनी दी गई है कि किसका कौन मकान है, इसके बाद कोई विवाद उस गाँव में दोबारा नहीं होगा।